याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा है। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। देख रहे हैं दखल न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्रनाथ सिंह जो कि मध्य विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये हम बात करते हैं क्या है जनता का रिस्पांस। जनता में बहुत अच्छा माहौल है। पिछली बार 5,000 वोट से जीते थे, इस बार ऐसी उम्मीद है कि हम लोग कम से कम 21,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। पूरे क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, इन सब चीज़ों के हमारे हजारों हितग्राही हैं जिन्होंने इसका इससे लाभ लिया है, फायदा किया है। वो सब उनमें अच्छा माहौल है और क्षेत्र के विकास के लिए अनेक काम किए गए हैं, उसका फायदा मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार का कहना है कि अब की बार 200 पार, क्या अब की बार 200 पार हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो पूरे जो हम लोगों का अनुमान लगता है, जो चारों तरफ के जो लोग आते हैं, सब लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। शिवराज सिंह चौहान जी के समकक्ष कोई कांग्रेस के पास नेता नहीं है, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है और हमारे यहाँ जो है सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित ही विजय मिलेगी। कांग्रेस के तीखे वार होते रहे हैं संघ परिवार पर, क्या ये एक चुनावी मुद्दा हो सकता है? देखिए साहब, क्या है, कांग्रेस लोग तो सीधे ये आरोप प्रत्यारोप उनका चलता रहता है। वो एक्चुअल में क्या है, वो झूठ बोल रहे हैं बहुत। किसी भी चीज़ का मतलब जबरदस्ती शोर मचाना किसी भी चीज़ पे, ये वो कर रहे हैं। लेकिन जनता भी समझ रही है कि जो भी वो आरोप लगा रहे हैं या जो भी बोलते हैं उसमें कोई दम नहीं है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता जनता के अंदर बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता आनंद शर्मा जी आए थे, सुरजेवाला जी आए, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो आंकड़ों पे खेलती है। जो कृषि कर्मठ अवार्ड मिले उसको आंकड़े उन्होंने चेंज करके मैनिपुलेट करके ना आंकड़ों से एक कृषि कर्मठ अवार्ड मिले हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए सर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग आरोप लगा रहे हैं फर्जी आरोप है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी को जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी पुरस्कार मिला था कृषि कर्मठ अवार्ड, और अभी भी मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया हो, उनको शुरू से मिल रहा है, लोगों को दिख रहा है ना साहब पूरे प्रदेश के अंदर जो है। चलिए, जब कांग्रेस की सरकार थी पूरे प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़कें थी नहीं, आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़कें हैं। उस समय बिजली मिलती नहीं थी, रात रात भर लोग सो नहीं पाते थे, आज बिजली मिल रही है। हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, सिंचाई के साधन ज़्यादा उपलब्ध हो गए हैं, यहाँ स्कूल कॉलेज ज़्यादा खुल गए हैं, स्वास्थ्य की सुविधा पहले से बेहतर है। ये तो लोगों को दिखता है ना कि आज हमारा प्रदेश जो है मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा हो गया। ये सब शिवराज सिंह चौहान की मेहनत का परिणाम है। आज केंद्रीय मंत्री आए हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो कानून मंत्री हैं, तो उनका आज बयान आया है कि जो GST और नोटबंदी लागू हुई है उससे देश को फायदा हुआ। जो 3 करोड़ टैक्स पेयर थे वो बढ़कर के 6 करोड़ हो गए, उससे सरकार को भी फायदा हुआ है। लेकिन उसके विपक्ष में कांग्रेस कहती है कि इससे क्या बेरोजगारी बढ़ी है, GST कारण लोगों का जो उद्योग है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो परेशान हुए हैं। देखिए साहब, कोई भी चीज़ अपन नया नया शुरू करेंगे तो उससे परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन कुल मिला के जो है ये सब चीज़ें फायदेमंद है। जैसा देखो, देश को चलाने के लिए साधन चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब आ रहा है। पहले जो है कि कांग्रेस की सरकार हथियार तक नहीं खरीद पाती थी, राफेल सौदा सिर्फ नाम का ही रह गया था कि बात चल रही। आज भाजपा की सरकार ने सब चीज़ें वो खरीदी हैं, सब हथियार आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, हमारी सेना के पास पर्याप्त जो है साधन उपलब्ध हैं, देश में विकास के काम हो रहे हैं जो कि कांग्रेस सरकार में ठप थे।
जनता आपको मध्य से जिताती है तो आप क्या देंगे जनता को? देखिए साहब, हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी सबको पर्याप्त मात्रा मिले, हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था हो, बिजली रहे, रोडें अच्छी हों, ये सबके लिए काम करेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं वो अच्छे से मिले, और जो भी वहाँ की समस्या हो वो मिल के सॉल्व करेंगे हम। तो ये हैं हमारे साथ सुरेंद्र नाथ सिंह, जो कि भोपाल मध्य से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। पूर्ण विश्वास है कि जीत इस बार उन्हीं की होगी। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार? अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार? ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।